हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीसी में प्ले स्टोर को डाउनलोड कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि अपने लैपटॉप में प्ले स्टोर को डाउनलोड कैसे और कहां से कर सकते हैं। और पूरा पूरा एकदम सच्चाई जो है, एकदम मतलब सच पूरा ट्रूथ वाला वीडियो आपको होने वाला है, यानी कि कोई फ्रॉड नहीं है। बिल्कुल आप सही वीडियो देख रहे हैं, एग्जैक्टली सही वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहां पर आना है और यहां पर गूगल की वेबसाइट को सर्च कर लेना है। देखिए दोस्तों, यहां से आप लोग अगर यहां से प्ले स्टोर को डाउनलोड करेंगे कोई फायदा नहीं है। आपके लैपटॉप में कोई भी जो है एंड्रॉयड ऐप नहीं चलने वाला है। तो सही तरीके से अगर आप अपने पीसी में गूगल क्रोम को डाउनलोड करेंगे तब जाकर जो है आप मोबाइल वाले ऐप्स को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में चला सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए क्योंकि मैं आपको प्ले स्टोर डाउनलोड करने का सही तरीका, एकदम बढ़िया तरीका मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले आपको यहां पर आना है और यहां पर आकर ये नहीं सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर डाउनलोड, ये मत कीजिएगा, ठीक है। ये करेंगे तो देखिए ये क्या आ रहा है। ऐसे में आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहां से कुछ भी काम बनने वाला नहीं है। कई सारे लोग यूट्यूब पर जो है कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं कि यहां पर जो है इसका शॉर्टकट बनवा दे रहे हैं यहां से, ठीक है। यहां पर आने के बाद जो है शॉर्टकट बनवा दे रहे हैं। शॉर्टकट से ये बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपको यहां पर काम करना पड़ेगा। देखिए यहां पर आप इंस्टॉल पेज एज ऐप, इस पर अगर क्लिक करके अगर आप यहां पर प्ले स्टोर को डाउनलोड कर लेते हैं तो यहां से देखिए कोई भी अगर ऐप मान लीजिए आपको यहां पर डाउनलोड करना है अपने लैपटॉप में, मान लीजिए कि फेसबुक को अगर आप अपने लैपटॉप में डाउनलोड करना चाहते हैं फेसबुक ऐप को, सो इंस्टॉल ऑन मोर डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है। और यहां पर दोस्तों आप देखिए तो यहां पर क्या आएगा अभी देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए फ़ोन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे तो आपके लैपटॉप में जो प्ले स्टोर है वो डाउनलोड नहीं हुआ एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिखा तो दे रहा है। तो ये चीज़ से बच कर रहिएगा। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको जो प्ले स्टोर है उसको अपने लैपटॉप या पीसी में डाउनलोड करना है। सो गूगल ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं नोड प्लेयर, ठीक है, या आप जो है कोई और भी यहाँ पर जो ऐप है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोड़िए नोट प्लेयर को छोड़ दीजिए, आप यहाँ पर जो है एलडी प्लेयर आप यहाँ पर डाउनलोड कीजिए, एलडी प्लेयर डाउनलोड, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर ये लाइट वेट एंड फास्ट एंड्रॉयड इमुलेटर, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। अब क्या करना है आपको, डाउनलोड एलडी प्लेयर पे क्लिक कर लीजिए डायरेक्टली। आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेशन की फाइल आ जाएगी, इसे आप लोग इसे डाउनलोड वाले फोल्डर में यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और इसको जो है यहाँ पर सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद ये फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, 2.5 MB का है, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये फाइल दिखाई देगा इस तरीके से आपके लैपटॉप कंप्यूटर में, इस पर डबल क्लिक कीजिएगा। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यस कर देना है, परमिशन मांगेगा। तो उसके बाद से यहाँ पर देखिए इंस्टॉल वाले बटन पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा आपके लैपटॉप में। अगर आप लैपटॉप में ये प्ले स्टोर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो एलडी प्लेयर अगर आपको अच्छा वाला दिखेगा तो आपको इस तरीके से ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक कर देना है तो डाउनलोडिंग यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से डाउनलोड होगा। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ पर कुछ आपको जो है टाइम लगेगा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा। अब ये देखिए आपके लैपटॉप में इंटरनेट कितना तेजी से चल रहा है, आपके लैपटॉप में इंटरनेट की स्पीड कितनी है, या फिर कितना GB जो है मतलब पर डे का आपका है उसके मतलब अनुसार जो है इसकी स्पीड मिलेगी और उतना जल्दी ही आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर पीसी में एलडी प्लेयर डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो को होल्ड कर देता हूँ और ये जब डाउनलोड हो जाता है मैं आपको फिर से वहाँ से आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको अपने लैपटॉप में, ये फिलहाल मैं प्ले स्टोर को इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर जो है जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं बताऊँगा कैसे जो है आप अपने लैपटॉप में प्ले स्टोर को चला सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो इसको डिलीट कर दिए, कोई भी काम में आने वाला नहीं है फालतू का, ये इसे ने अपने लैपटॉप में प्ले स्टोर नहीं चलेगा। तो दोस्तों हम लोग कहाँ थे, कंप्यूटर में प्ले स्टोर डाउनलोड कैसे करें, यानी कि लैपटॉप में प्ले स्टोर डाउनलोड कैसे करें। तो यहाँ देखिए हमारा जो लैपटॉप में प्ले स्टोर है जो डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें से ये एलडी प्लेयर को हमें डाउनलोड करना था, जिसमें से एलडी प्लेयर डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पर इंस्टॉलिंग हो रहा है, ठीक है, बोल रहा है प्लीज वेट पेशेंसली। अब ये 100% होगा और प्ले स्टोर हमारे लैपटॉप में आ जाएगा जहां पर हम अपने मोबाइल वाले जो एप्स हैं उसको हम चला सकते हैं, एपीके वगैरह, ठीक है। सो जस्ट ये 100% बना है, 99 हो गया और ये पूरे पूरे 100 100 हो गया। ये यहाँ देखिए यहाँ पर से जो है हमारा ये एलडी प्लेयर आ चुका है, डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉलेशन भी हो चुका है।
अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर प्ले स्टोर आ चुका है हमारे लैपटॉप में, ठीक है। और आपको भी करना होगा अगर आप लोग गूगल प्ले स्टोर से अपने लैपटॉप में एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं। गूगल प्ले स्टोर में आपको अपने गूगल अकाउंट को लॉग इन करना पड़ेगा। सो ये कुछ इस तरीके से आ चुका है। और उसके बाद यहाँ देखिए प्ले स्टोर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे सिस्टम ऐप में, और ये आ चुका है प्ले स्टोर। इसको ओपन करेंगे, ओपन करेंगे, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। चलिए क्लिक करते हैं, प्ले स्टोर पे क्लिक करते हैं, प्ले स्टोर आ चुका है गूगल प्ले स्टोर। इसको साइन इन करना है, आपको पता है ना साइन इन करना होता है, तो साइन इन पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद से चेकिंग इन्फो कर रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर गूगल का ईमेल आईडी, जीमेल आईडी गूगल अकाउंट का यहाँ पर डालना होगा, ईमेल या फोन नंबर। और उसके बाद से आपको यहाँ पर जो है नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, और पासवर्ड जो है वो आप डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप लोग अपने लैपटॉप में एंड्रॉइड ऐप को चला सकते हैं। तो दोस्तों ये था हाउ टू डाउनलोड प्ले स्टोर इन लैपटॉप, या फिर हाउ टू इंस्टॉल प्ले स्टोर इन लैपटॉप या कंप्यूटर पीसी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। इस तरह वीडियो के लिए आप रामजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं राम के प्रजापति मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजा आता रही। और अगर कुछ और पूछना चाहते हैं नीचे कॉमेंट करके पूछ लीजिएगा।